राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार के हर नुमाइंदों की जुबान पर केवल राम का नाम है, और यही वजह है कि देश के सदन से लेकर यूपी के विधानसभा तक राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर राज्यपाल आनंदी पटेल तक सभी के अभिभाषण में भगवान राम का जिक्र हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु श्री राम का जिक्र अपने हर वक्तव्य में कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 11 फरवरी को रविवार के दिन अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक होगी। इस वर्ष पहली बार योगी कैबिनेट की बैठक अयोध्या में होगी। इसके पहले दीपोत्सव के समय अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी। हालांकि तब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, लेकिन अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहली बार ऐसा मौका है कि अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक होगी, जहां महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर फैसले लिए जाएंगे। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा की यह रिपोर्ट। इस वर्ष दूसरी बार अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक होगी। इसके पहले दीपोत्सव के समय अयोध्या में कैबिनेट की बैठक हुई थी, जहां महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, और माना यह जा रहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला ऐसा अवसर होगा जब अयोध्या में कैबिनेट की बैठक होगी। हालांकि इसके पहले भी दीपोत्सव के समय बैठक हुई थी, लेकिन तब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। 11 फरवरी को होने वाली बैठक में योगी सरकार अयोध्या और उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगा सकती है। माना यह भी जा रहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण रहा हो या फिर राज्यपाल का अभिभाषण, हर जगह भगवान राम के नाम की गूंज सुनाई दी है। राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल तक सबने अपने अभिभाषण में भगवान राम का जिक्र किया है, और जाहिर है लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में यूपी सरकार के बजट पेश होने के बाद 11 फरवरी को होने वाली अयोध्या की बैठक पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है अयोध्या और उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। यूपी सरकार अयोध्या के लिए इस बार के बजट में अपना पिटारा भी खोल सकती है। क्या कुछ होगा ये 5 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आएगा, लेकिन फिलहाल 5 फरवरी को जब यूपी सरकार अपना बजट पेश करेगी तो उसमें भी अयोध्या के लिए सौगात होगी, और 11 फरवरी को अयोध्या में जो कैबिनेट की बैठक होगी लोकभवन में ना होकर अयोध्या में होगी, उसमें भी योगी सरकार अयोध्या के लिए विकास परियोजनाओं का पिटारा खोल सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि अयोध्या की बैठक में क्या कुछ ऐलान होता है। फिलहाल लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से भगवान राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने अभियानों को आगे बढ़ा रही है, कैबिनेट की बैठक हो रही है, उसी की कड़ी में अयोध्या में ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। राजधानी लखनऊ से सहयोगी आयुष के साथ मैं अभिषेक शर्मा, द लीडर हिंदी।